छठ महापर्व का आगाज हो चुका है। चार दिवसीय महापर्व का आज पहला दिन है। पहले दिन होता है नहाए खाए। महापर्व के दूसरे दिन होता है खरना। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को दिया जाता है अर्घ और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर ये महापर्व पूरा हो जाता है। तो महापर्व की शुरुआत आज से हो चुकी है। बिहार झारखंड यूपी में ज़्यादातर इस महापर्व की महत्वता होती है। चार दिवसीय महापर्व का पहला दिन आज है और पहले दिन नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है। बता दें दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसी के साथ महापर्व का समापन हो जाता है। तो चार दिवसीय महापर्व की शुरुआत आज से हो चुकी है और बता दें कि आज पहला दिन नहाए खाए का है और ऐसे में महापर्व यानी कि छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। आज पहले दिन नहाए खाए से इसकी शुरुआत हुई है और चार दिवसीय ये पर्व हर किसी के घर में रौनक लेके आता है। और बता दें कि छठ पूजा की अपनी ही महत्वता है। हर कोई मन्नत मांग के इसको करता है और लगन से ये पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी भी होती है। तो महापर्व के दूसरे दिन खरना होता है, पहले दिन नहाए खाए होता है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और तब हर घाटों पे भीड़ नज़र आती है। कई ऐसे लोग हैं जो कि जाते हैं इस महापर्व में एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। तो तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और शुरुआत आज से यानी कि नहाए खाए से हो चुकी है। आदित्य नारायण श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। आदित्य, छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, पहले दिन नहाए खाए, क्या तस्वीरें दिखाएंगे? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज छठ इस महापर्व का पहला दिन है, आज नहाए खाए। जैसा कि आज महिलाएं काफी उत्साहित है इस चार दिन के छठ पर्व को मनाने के लिए। आज साफ सफाई और कई चीजों का जैसे व्यवस्था खरीदारी सब कर रही महिलाएं। बाजार में बहुत ही ज्यादा भीड़ है। प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन द्वारा सारी तैयारियां कर ली गई हैं। घाटों पर लोग अपने स्थान को अर्जित करने के लिए वहां पर चौकी बना रहे हैं और बहुत काफी संख्या में भीड़ दिख रही है। जी, आज से शुरुआत हो जाती है क्योंकि बहुत पहले से घाटों को सजाया जाता है और आज से ही लोग घाटों पे जाके वहाँ पे साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि पिछले कई सालों से तस्वीरें निकल के सामने आ रही है कि भगदड़ होती है और जिस कारण लोगों को समस्याएं भी होती है, तो उसके लिए प्रशासन के पहले से क्या चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं धरातल पर? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, पहले प्रशासन ने नगर निगम द्वारा काफी तैयारियां पहले ही कर ली गई है। वो काफी रास्ते बना दिए हैं घाट पर आने और जाने के। कुछ लोग अपने घर पर भी एक पानी भर के किसी स्थान पर वो भी कर रहे हैं, काफी भीड़ भाड़ से बचने के लिए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं या जिनको कुछ बीमारी की समस्या है। लेकिन बहुत से लोग घाट पर ही जाके अर्घ देना बहुत ही अच्छा मानते हैं और घाटों पर सारी सुरक्षा व्यवस्था इस टाइम पुलिस द्वारा और कुछ वॉलंटियर्स प्रशासन द्वारा लगाए गए हैं, इससे किसी को असुविधा न प्राप्त हो। जी, आदित्य, जब कोरोना काल आया था तो उस समय घाटों का प्रचलन जो है वो खत्म हो गया, तो लोग अपने घरों में अर्घ दे रहे थे और वो जो रौनक थी वो हर कोई मिस कर रहा था। इस बार जो है अब रौनक फिर से वापस लौट आएगी लगता है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोरोना काल में थोड़ी सी समस्या आई थी जिसमें घाटों पर प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, लोग अपने घर पर ही वो पूजा अर्चना कर रहे थे। जबकि मैं आपको बताऊंगा, घाट पर ये पूजा अर्चना जो होती है इस साल बहुत धूमधाम से हो रही है। लोग इस बार घाट पर मना रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो विशेष रूप से जा नहीं पाते हैं घाट, या वृद्ध हैं या किसी बीमारी से पीड़ित, तो वो लोग अपने घर से ही ये कार्य करते हैं। जी, आजकल हम देख रहे हैं जो ट्रेनों के दृश्य निकल के सामने आ रहे हैं वो हैरान करने वाले भी है, भयावह भी वो करते हैं। चूंकि महापर्व है, महापर्व में हर कोई अपने घर जाना चाहता है और ऐसे में जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही यही बताती है कि इस महापर्व की महत्वता क्या है। जी, ट्रेनों में तो काफी भीड़ है। गोरखपुर में दिल्ली और बंबई से आने वालों की काफी भीड़ है। जैसे कि ट्रेनों में नो रूम है। आपको मैं बताना चाहूंगा, गोरखपुर के समीपवर्ती जो क्षेत्र है बिहार से जुड़ा हुआ है, इसलिए लोग यहाँ पर और बिहार के काफी लोग यहाँ पर भी रहते हैं और यहाँ से वहां भी जाते हैं, इसलिए लोग इस पर्व को मनाने के लिए लोग आ रहे हैं। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है ट्रेनों से आने के लिए। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो छठे पर्व की शुरुआत हो चुकी है, आज पहला दिन है, चार दिवसीय पर्व घर में रौनक लेके आता है और हर कोई काम में जुट जाता है।